पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि भाई अति लाखों की बात कहने लगोगे तो विशेषाभावों की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाता है, जो सामान्य भाव की जरूरत नहीं, विशेषाभाव की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अधिकरण रूप मान लेने में ही अत्यंत लाघव है। चाहे विशेषाभाव हो वो भी अधिकरण रूप है, सामान्य भाव भी अधिकरण रूप ही है। अरे सामान्य भाव की जरूरत नहीं है तो विशेषाभाव की जरूरत नहीं, क्योंकि अधिकरण रूप होने के कारण से अब उसी को लेकर के सकल भेद मान लो। रूप जो रूपाभाव के अधिकरणीभूत जो घटादि पदार्थों को ही आप अभाव ज्ञान का कारण मान लीजिए, अलग से विशेषाभाव कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब सिद्धांत ने कहा कि नहीं नहीं, अस्माकम इष्टापत्य है, सबसे पहली बात तो हम लोगों के लिए इष्टापत्ति है कि प्रपंचाभाव को हम अधिकरण रूप ही मानते हैं, इसलिए हमारे लिए इष्ट ही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है, यदि ऐसा है फिर तो अभाव प्रकारक ब्रह्मा हो जाएगा, ब्रह्म प्रपंचाभाव वाला ब्रह्म है, यानी प्रपंचाभाव क्या हो जाएगा, प्रकार बन जाएगा भाव में। अभाव कैसे प्रकार बन सकता है भाव में, ऐसा आपाशंका भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप घटा भाव का अभाव कहने से उसका अर्थ आप बताते तो दूसरा भाव का अर्थ है घट, उसे प्रकार कौन हुआ, घटा भाव, घटा भाव का अभाव है, माने यह दूसरा जो भाव है वो घटा भाव वाला है, घटा भाव वाला यह अभाव है, ये कहना हुआ घटा भाव अभाव का मतलब। अच्छा जो दूसरा भाव हो गया भाव, क्या अभाव अभाव का अभाव रूप मान लिए, घट हो गया, उसका प्रकार कौन हुआ, घटाभाव हो गया। अच्छा आप भी घटाभाव प्रकार के भाव की प्रमा मानते हैं तो जब प्रपंचाभाव प्रकार का भाव ब्रह्म का प्रमा मानने में क्या आपत्ति है, इसलिए अभाव प्रकार का भाव प्रमा होती नहीं है, ये आप नहीं बोल सकते कि आपके मत में स्वीकृत्य है, तो हमारे यहाँ भी होने से इष्टापत्ति ही है, हम न विशेष अभाव मानना चाहते न सामान्य भाव मानना चाहते, कुछ भी नहीं मानना चाहते, अधिकरण रूप ही है, उस अधिकरण में जो चाह सो भासता है, भाव हो चाहे अभाव अपनी अपनी मर्जी से देखते रहो, एकमात्र अधिकरण ब्रह्म है, उस प्रपंच जैसे जैसे देख रहा है, कोई प्रपंच अभाव को देखता है कोई प्रपंच को देखता है, वैसे यहाँ भी हो जाएगा। तब पूर्व पक्षी कहता है यद्यपि कश्चित दाह अद्वैतवादियों के खिलाफ किसी और ने कहा भाई प्रतियोगितावच्छिक धर्मों को ही अभाव का भेदक मानो, प्रतियोगी को नहीं, प्रतियोगी लेने में दोष आ रहा है तो कोई बात नहीं, प्रतियोगितावच्छेद भेद से अभाव भेद नियामकत्वात्, प्रतियोगिता का अवच्छेद भेद वो अभाव भेद का नियामक मान लिया जाए, विशेषाभाव अन्य सामान्य अभाव सिद्धि ही, उसे क्या लाभ होगा हमको, विशेषाभाव से भिन्न सामान्य अभाव की भी सिद्धि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, प्रतियोगितावच्छेद धर्म भिन्न भिन्न हो गया ना, विशेषाभाव का प्रतियोगितावच्छेद विशेष धर्म होगा, सामान्य अभाव का प्रतियोगितावच्छेद सामान्य होगा, दोनों का अवच्छेद भिन्न होने से अभाव में भी सिद्ध हो जाएगा, विशेष भाव सामान्य भाव में, विशेषाभाव कहने से आप तद्रूप अभाव यतद घटाभाव ऐसे विशेष लोगे, उसका धर्म क्या होगा अवच्छेद तद घटत्व तद्रूपत्व ही होगा, और सामान्य भाव घटाभाव कहूँगा वह अवच्छेद घटत मात्र था, अच्छा अवच्छेद भेदों से अभाव भेद हो जाएगा, अन्यथा अभाव भेद सिद्ध है। पूर्व पक्ष कहना है यदि यह बात नहीं मानोगे अभाव का भेद ही सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रतियोगी भेद से अभाव भेदकत्व एक घट प्रतियोगिक प्राग अभावादि चतुष्टय अभेद प्रसंगात, अगर प्रतियोगी भेद से ही अभाव का भेद सिद्ध करने लगो तो वे विचार हो जाएगा, घट प्राग भाव घट प्रध्वंस भाव घट अत्यंत भाव घट अन्योन्य भाव, चार प्रकार के भाव मानते चारों अभावों का प्रतियोगी घट ही है, प्रतियोगी भेद तो है नहीं, प्रचार अभाव कहाँ से आ जाएगा, एक प्रतियोगी का एक घट प्रतियोगी का प्रागभाववादी चतुष्टय रूप भेद नहीं हो पाएगा, अभेद प्रसक्ति हो जाएगी, अवच्छेद भेद तो तत्भेदे न कोपि दोष, अवच्छेद भेद होने से इन चारों में भेद हो जाएगा, भले प्रतियोगी घट है लेकिन चारों प्रतियोग अभावों के प्रतियोगिता एक ही घट का अवच्छेद अलग अलग हो जाएगा, अरे कैसे अलग हो जाएगा जी, स्वयं समझा रहा है, क्वचित तादात्म्य क्वचित संसर्ग से क्वचित पूर्वापर कालीन तत्घटत्वादिश भेदात, अन्योन्य भाव में ताजव समन्ता अवच्छिन्न घट ले लूंगा, अत्यंताभाव में
संयोग समवाय आदि संसर्ग आवचन प्रतियोगिता का अभाव ले लूंगा, घट प्रतियोगिता का भाव, ताल संबंध आवचन घट प्रतियोगिता का भाव, अन्योन्य भाव हो गया, संयोग आदि संसर्ग आवचन घट प्रतियोगिता का भाव अत्यंत भाव हो जाएगा, घट अत्यंत भाव हो जाएगा। और ऐसे प्राग भाव और पूर्व भाव में क्या करोगे, प्रध्वंस में, प्रध्वंस के लिए क्या कहेंगे हम, या प्राग भाव में क्या कहेंगे, प्राग भाव एक उत्तरकालीन घटत्व, उत्तरकाल घट में आने वाला घट आएगा तो प्राग नष्ट होगा, इसे उत्तरकालीन घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता घट प्राग भाव ऐसे कहा जाएगा। और घट पहले था बाद में नहीं रहेगा ध्वंस के बाद, इसे वहां कहोगे पूर्वकालीन घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता घट प्रध्वंस भाव कह दिया जाएगा। इसलिए अवच्छेद भिन्न हो जाने से चार अभाव में परस्पर भेषित हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष ने कहता है। तन्ना सिद्धांत के ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों, संसर्ग प्रतियोगी विशेषण साधारणस्य एकस्य अवच्छेदकत्व से दुर्वचत्वात्। आपने एक में जो संसर्ग कह दिया और बाकी में विशेषण बना दिया, चार में से एक ही संसर्ग अवच्छिन्न है ना, कौन, अत्यंत भाव, बाकी तीनों में प्रत्येक विशेषण मात्र बनता हो, ताल संबंध क्या है, कोई वृत्ति नियामक संबंध है नहीं, स्व का स्व में होना तादात में होता है, इसलिए वो वृत्ति नियामक संबंध है नहीं, वो भी घट का विशेषण मात्र बना, पूर्वकालीन घटत्व या उत्तरकालीन घटत्व ये भी सब विशेषण मात्र है प्रतियोगी का। और ऐसे एक प्रतियोगिता अवच्छेद क्या होगा जो संसर्ग में भी रहे और इन विशेषणों में भी रहे, यदि एक प्रतियोगिता अवच्छेद का आप नहीं बता सकते तो कार्यकारण भाव सिद्ध नहीं होगा, भेद के प्रति, चार अभाव के भेद के प्रति आपने प्रतियोगिता अवच्छेद का भेद कारण है। वो प्रतियोगिता अवच्छेद का तो क्या है जिसके भेद के कारण से अभाव में भेद आ रहा है, उस एक स्वर व्याख्यान आप नहीं कर पाएंगे, वही समझा रहे संसर्ग और प्रतियोग विशेषण जो इन दोनों में रहने वाले एक साधारण धर्म एकस्य अवच्छेदकत्वस्य, एक अवच्छेद को आप दुर्वचत्वात्, जो कार्यकारण बने तो दो हो जाएगा, संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव और विशेषण अवच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव, दो बनिया बने का कारण अभाव भेद के प्रति, एक कार्य के प्रति अभाव भेद सिद्ध करना हमारा कार्य है, उसे कारण दो हो गए, वे विचार हो जाएगा। यहाँ पर एक का न रहने पर भी दूसरे कारण से भेद हुआ अपने तरीके, उसके बिना इसके रहने पर भी हो जाता है, एक कार्य के प्रति दो कारण मानने में वे विचार होता है, कारण अभाव पे कार्य सत्यम हो जाएगा ना, जैसे तादात में नहीं है मान लो, पूर्वकालीन तो नहीं, उत्तरकालीन तो नहीं, विशेषण है ही नहीं, फिर संसर्ग मात्र को लेकर एक अभाव बन जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, अत्यंत भाव बन जाएगा, ये में अत्यंत संसर्ग नहीं है, संयोग समवाय आदि नहीं है, इन तीन में से एक विशेषण रहने पर भी तो भेद सिद्ध हो जाता है। अतएव आप एक अनुगत प्रतीति प्रतियोगितावच्छेदक तो आप व्याख्या कर ही नहीं सकते, कारणतावच्छेदक, कारणता का अवच्छेदक बनना पड़ेगा ना कार्य के प्रति, जैसे भेदत्वावच्छिन्न भेदता, उस कार्य भेद अभाव भेद, उसके लिए कारण आपने ढूंढा एक प्रतियोगितावच्छेदक कहा, लेकिन वो प्रतियोगितावच्छेद जो कारणता है उसका भी तो धर्म होगा प्रतियोगितावच्छेदक तो, कारणतावच्छेदक धर्म, वो एक है कि अनेक है, एक स्वरूप नहीं कथन कर सकते आप, क्यों, तादात्म्य आदेश प्रतियोगितावच्छेदकत्वे मानाभावात्, ये सबसे पहली बात यह है कि तादात्म्यादियों को प्रतियोगितावच्छेदक बनने में कोई प्रमाण नहीं है, एक तो एक प्रतियोगितावच्छेदकत्व की व्याख्या नहीं कर सकते दुर्वच, और दूसरी बात तादात्म्य नाम के एक आपने संबंध माना, यानी यह संबंध प्रतियोगितावच्छेदक होता है इसे कोई प्रमाण नहीं है, जैसे आप घट पटो ना बोल देते हैं, घट का अन्योन्य भाव पट पे देख रहे हैं, और किस समय से देख रहे, तादात्म्य समय से, तादात्म्य का मतलब क्या, तद आत्मस्य तदस्य स्वरूपम इत्यर्थ, स्वस्वरूप की कथन कर रहे हैं, स्वस्वरूप स्व के भेदक होता है क्या, अवच्छेदक बनेगा क्या, व्यावर्तक, यदि वस्तु के अपना स्वरूप ही व्यावर्तक हो जाए तो तुम्हारा जातिवाद खत्म हो जाएगा, जाति मन क्या जरूरत व्यावर्तक की, परमाणु में विशेष मन की क्या जरूरत है व्यावर्तक की, कभी भी वस्तु का अपना स्वरूप कभी व्यावर्तक होता नहीं, इसे दूसरे व्यावर्तक ढूंढना पड़ा, और जाति आदि को स्वरूप ही व्यावर्तक मान लिया हमने,
उसका लक्षण ही है, व्यावर्तक रूप ही है वो। अरे उसके लिए एक और व्यावर्तक अंतर की जरूरत नहीं, तनावस्था दोष हो गए, जाति में जाति में जाति बनोगे। इसलिए हमारे यहाँ मत है कि भाई प्रतियोगिता का अवच्छेद को हमेशा व्यावर्तक स्वभाव वाला होना चाहिए, लेकिन तादात्म्य किसी का भी व्यावर्तन नहीं कर सकता, स्वस्वरूप ही होने के नाते वो किसके व्यावर्तन करेगा ही नहीं, तो अवच्छेद कैसे हो जाएगा। व्यावर्तन करना ही अवच्छेद का मुख्य लक्षण है और वो इसमें घटता नहीं। इसलिए तादात्म्य आदि हमको आदि से वही भूतकालीन घटत्व पूर्वकालीन घटत्व ये कोई अवच्छेद नहीं हो सकते हैं। ये पूर्वकालीन घटत्व आप रहेगा, किस घट की बात कर रहे हो, वहां पर भी अवच्छेद क्या होगा, सकल घट का संसार के। फिर जिस दृश्यमान कपाल में जो दृश्य भावी होने वाला तद घट को ही लेना पड़ेगा, एक विशेष ही आया ना, विशेष है तो अवच्छेद कैसे होगा। वो अवच्छेद में घटत्व को घट का अवच्छेद इसलिए मान रहे हैं, अनेकों घटों में रह रहा है। इसे प्राकालीन घटत्व अनेक घट में कहाँ है, वो एक ही में आएगा। उत्तरकालीन घटत्व अनेक घट में कहाँ है, वो एक ही में आएगा। तो अनेकों में कहाँ रहता है वो, और व्यावर्तक कैसे बन जाएगा। स्वगत विशेष धर्मात्र वर्णन किया आपने, व्यावर्तक तो बनेगा नहीं, अवच्छेदक बनेगा नहीं, कि एकनिष्ठ हो गए ना, अनेकों में रहना चाहिए, एक में रह रहा है, एक में रहता है उसको हम व्यावर्तक जाति मानते ही नहीं, अवच्छेद मानते नहीं। लेकिन सभी घट क्या इसमें है कपाल में, जिसमें तुम बोल रहे हो यह कपाल घटो नास्ती, ये सभी घट उस कपाल में है, ये घट है जिसमें आप प्राग देख रहे हो, उसमें सभी घट तो है नहीं, तत्त घट कहने पड़ेंगे, तत्त कपालों में कहना पड़ेगा, तत्त कपाल में तत्त घट लेंगे तो विशेष हो गया, वो व्यक्ति एक निष्ठ हो गया। और आप स्वयं कहते हैं व्यक्तिरा भेदस्तुल्यतम, अभेद हो जाए मेरे एक व्यक्ति में जाति होती नहीं, व्यावर्तकत्व आता नहीं, अतः इनमें से एक भी वास्तविक प्रतियोगिता अवच्छेद ही नहीं हो सकते। माना भावात भेद सिद्धिस्तु, फिर पूर्व पक्षी कहेगा महाराज फिर आपके मध्य भेद कैसे सिद्ध होगा, एक अनुगत वो अकेला एक का अवच्छेद हुआ ना, मतलब अवच्छेद हो जाएगा, संयोग संबंध समय का व्यावर्तक समय जो संयोग का व्यावर्तक बन जाएगा। लेकिन किसका अवच्छेद बना, केवल अत्यंत भाव का, भेद सिद्ध करेगा कैसे चारों का, वे अत्यंत अन्य अन्योन्य प्राग और प्रत्यंश भाव है, चारों में भेद सिद्ध, चारों का अलग अलग आपको अवच्छेद बताना पड़ेगा ना, एक का अवच्छेद से सभी व्यावर्तन तो होंगे, उनके अवच्छेद भी तो चाहिए। आपने ये नियम कहा ना प्रतियोगिता अवच्छेद भेद से अभाव भेद होगा, भाई प्रतियोगिता अवच्छेद भेद खत्म हो गया ना, एक एक अवच्छेद सच माना आपने, संयोग समय जो अत्यंत भाव का अवच्छेद है उसमें अवच्छेद का लक्षण घट रहा है, लेकिन बाकी में घट नहीं रहा, अरे ये एक से चार भेद सिद्ध हो जाएगा, ये तो बेचार अकेला अत्यंत भाव का अवच्छेदक है, अन्यों का भी तो अवच्छेदक चाहिए, चार अवच्छेदक होंगे तुमने चार भेद सिद्ध होगा। जब अन्य में अवच्छेदकत्व ही नहीं रह गया, अकेला संसार का अभाव, अन्यों से अपने आप को भेद सिद्ध कैसे करेगा, क्या आपके नियम बना लिया अपने अवच्छेदक भेद चाहिए, अवच्छेदक भेद रहा ही नहीं, एक एक अवच्छेदक रह गया वो भी अत्यंत अभाव अकेले का, बाकी इसका मतलब क्या अभाव ही नहीं है, ये इनका कहना है। तब सिद्धांत के तुम्हें भेद सिद्धि वास्तव में जिस तरीके से तुम जा रहे हो ना, न प्रतियोगिता भेद से होता है न प्रतियोगिता अवच्छेद भेद से होता है, फिर कैसे होता है, कहते भेद सिद्धि तो भाववद्ध अभाव से आप ही विरुद्ध धर्म अध्यासा देव, जैसे भावों की भेद सिद्ध कैसे हुआ, अग्नि और जल में भेद सिद्ध कैसे हो गया, विरुद्ध धर्म के कारण से, विरुद्ध धर्म वाला का अध्यास जब तक नहीं होगा, पर विरुद्ध धर्म वाले ही दोनों ऐसे जब तक एक आध्यासिक तरीके से हम लोग अध्यास इसलिए बोल रहे हैं उनके वास्तविक है, लेकिन भेद तो विरुद्ध धर्म माने बिना तो वस्तु भेद सिद्ध नहीं कर सकते आप। इसी नाम नव द्रव्य को या दस को या पचास को उनके परस्पर धर्म का भेद सिद्ध करना ही पड़ेगा, इसे वैशिष्ट होने का साधर्म वैधर्म ज्ञान से मोक्ष हो सकता है, साधर्म वैधर्म ज्ञान। जब तक ये वैधर्म्यता निश्चय नहीं होगा उनका भेद सिद्ध नहीं होगा, और साधर्म से जब सिद्ध नहीं होगा तब उनका अभेद सिद्ध नहीं होगा। भेदाभेद का सिद्धि केवल विपरीत धर्म
मैंने वैधर्मी और साधर्मी होता है, चाहे अभाव का भेद हो चाहे भाव का भेद हो, न प्रतियोगी न प्रतियोगिता अवच्छेद, इनके स्वभाव में अंतर देखो। ये उष्ण स्वभाव वाला है अग्नि है, वो जो है गंध स्वभाव वाला है वो पृथ्वी है, ये शीत स्वभाव वाला है जल है, स्पर्श स्वभाव वाला वायु है, शब्द स्वभाव वाले को आकाश है। ये तत्त्व आपके विशेष विरुद्ध धर्म अध्यास करके ही उन भावों का परस्पर भेद सिद्ध किया जाएगा, नहीं तो द्रव्यत्व रूप से वे की है आरोपित है या उनके मत में वास्तविक धर्म है, हमें क्या लेना देना। अपने दृष्टि से हमने अध्यास प्रयोग कर दिया है, हमारे मत में भावों का भेद धर्माध्यास से होता है, विरुद्ध धर्माध्यास से। इस तरह अभाव भेदों को भी हम विरुद्ध धर्माध्यास से मानेंगे। वही अवच्छेद के भेद से अभाव भेद नियामकत्वम लिंग विधिया तज्ञापकत्व में वाच्य न तो जनकत्व। पूर्व पक्षी तब कहेगा अवच्छेद के भेद का जनक नहीं मानता मैं। आप चन्नी चन्नी वह कार्य कारण भाव लेकर बोलने लग गए और कारण तो एक होना चाहिए, ये तो कहा आपने दोष दिखाया, एक कारण तो अवच्छेद नहीं हुआ, आप दुर्वचन हो गया। ये आप आपत्तियों पर मत दो, क्योंकि हम इनका भेद का और भेदक का बीच में कार्य कारण भाव नहीं मानते, तो ज्ञाप्य ज्ञापक भाव मानते। अवच्छेद केवल भेद के ज्ञापक है, भेद के जनक नहीं। अतः उनके कारण तो अवच्छेद एक होना चाहिए, आपत्ति खत्म। क्या पक अलग अलग हो सकते हैं, उनका अवच्छेद अलग अलग हो जाए, एक अवच्छेद होने की कोई जरूरत ही नहीं। कार्य कारण भाव में समस्या है, कारण अवच्छेद एक होगा, कारण अवच्छेद एक होना चाहिए। लेकिन यह हम ऐसे मानते, पूर्व पक्ष कहता है, ये पूर्व पक्ष वाक्य अवच्छेद के भेद से अभाव भेद नियामकत्व लिंग विधया। कैसे करेगा वो नियामक बनेगा, अभाव भेद का नियामक लिंग विधया तद ज्ञापकत्व एव वाच्य, मैंने व्याप्य बन करके व्यापक का बोधक हो जाएगा, व्याप्य व्यापक भाव मानूंगा अवच्छेद का और भेद का बीच में। न तो जनकत्व, धूम और वन्नी में जैसे व्याप्य व्यापक भाव जनी जनक भाव को लेकर के है, वैसे हम नहीं मानेंगे, व्यापक व्यापक भाव मानेंगे। जैसे अतीन्द्र वस्तु में क्या आप करते हैं, कार्यकारणों को पता ही नहीं, अतीन्द्र पदार्थ है, उनका आप अनुमान करोगे, वहां जो व्याप्य हेतु दोगे और व्यापक जो साध्य के साथ, क्या कार्यकारण भाव रहता है? अनिश्चय है ना कार्यकारण भाव, अतीन्द्रियत्वादेव। इसलिए आपको ऐसे स्थलों में जैसे ज्ञाप्य ज्ञापक भाव से ही कर लेते हैं, यहाँ भी कर लो ज्ञाप्य ज्ञापक भाव से, ये पूर्व पक्ष कहना है। तब सिद्धांत के तच्छन्न ऐसे नहीं कह सकते हो, क्यों? सबसे पहली बात है, पहले भी ये जवाब दे सकते थे, जन्य जनक भाव वैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप दो अभाव को तो नित्य मानते, अन्योन्य भाव भी नित्य है, अत्यंत भाव भी नित्य है, वहां पर जन जन का कार्यकारण भाव कैसे बन जाएगा? नित्यों को आप उत्पन्न कर ही नहीं सकते, अपने आप कार्यकारण भाव आपका अनुसार भी खत्म हो जाता है। रही बात ज्ञापक ज्ञापक भाव बनाने के लिए व्याप्ति बननी चाहिए, क्या इन दोनों के पीछे व्याप्ति बनेगी? प्रतियोगिता अवच्छेद को भेद का ज्ञापक मात्र मानना होगा आपने कहा, तो व्याप्य हेतु को ही व्यापक का ज्ञापक माना जाता है। जो व्याप्य हेतु है वही व्यापक का ज्ञापक होने का होगा, माने यत्र यत्र प्रतियोगितावच्छेद भेदत्वम तर तत्र अभाव भेदत्वम, ये आपको व्याप्ति बनानी पड़ेगी। व्याप्य है मान ले, अथवा प्रतियोगितावच्छेद भेद है किंतु अभाव भेद नहीं, धूमो अस्तु निर्मा अस्तु, तत्व त्याग किया जाए, व्यभिचार की आशंका करें, उसे विघटक तर्क क्या है, क्योंकि आपने कार्यकारण वह माना ही नहीं है, कार्यकारण भाव नहीं रहा तो विकट तर्क का उपयोग कैसे निकालोगे? क्योंकि अतीन्द्रिय वस्तुओं में तो हम लोग बना सकते हैं, वहां पर हम अनुपलब्धि प्रमाण लाएंगे, अन्य तानपत्ति दिखाएंगे, लेकिन आप यहाँ क्या करोगे? क्या अभाव तो प्रत्यक्ष के विषय तुम्हारे मत में, अतीन्द्रिय तो है ही नहीं, अतीन्द्रिय में तो आप अनुपलब्धि प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण आदि के द्वारा आप किसी तरह से बोल भी दो, लेकिन यहाँ कैसे करो? क्योंकि अभाव भी प्रत्यक्ष विषय है, तद अवच्छेद की आपके मत प्रत्यक्ष विषय है, कार्यकारण भाव है ही नहीं, फिर वे विचार शंका होने पर उसके विघटक तर्क आप क्या प्रस्तुत करेंगे, है ही नहीं आपके पास। तच्छना क्यों? विपक्ष बाधक तर्क अभाव है ना, पहला है तो विपक्ष बाधक तर्क आपके पास नहीं है,
और दूसरी बात, हमेशा व्याप्य और व्यापक समानाधिकरण होना चाहिए, समनियत होने से ना आपके साहचरी नियम है ना, एकाग्रण वृत्तित्व दोनों में जाना चाहिए। लेकिन आप विचार करके देखिए, अभाव भेद कहाँ है? अभावों में। प्रतियुक्त अवच्छेद भेद कहाँ है? प्रतियोगियों में। भिन्नाधिकरण हो गया ना, प्रतियोगिता अवच्छेद कहाँ रहेगी? प्रतियोगी में। तो अवच्छेदकता का भेद प्रतियोगियों में चला गया, और अभाव भेद अभाव में रहने वाला चीज है, दोनों अलग अलग अधिकरण में चला गया। तो इनके व्याप्य भाव कैसे बनेगा? व्याप्ति नहीं बनेगी, सामान्य अधिकरण अभाव। वही दूसरा हेतु, सामान्य अधिकरण अभाव है न चाह व्याप्ति रेव असिद्ध है, व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती तुम्हारी। न कार्य कारण भाव निरूपित व्याप्ति बनेगा, न ज्ञाप्य ज्ञापक भाव निरूपित व्याप्ति बन सकेगा यहाँ, ये सामान्य अधिकरण अभाव आदेव दो हेतुओं से खंडन हो गया। अतएव और दूसरे तरीके व्याप्ति बनाने का खोजता है और सामान्य भाव को सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा है, उस व्याप्ति को भी भंग करना हमने वो दिखा रहे। तद इतर धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम तदवच्छिन्न प्रतियोगिता अन्यत्र व्याप्यम इत्यपि निरस्तम, यत्र यत्र तद इतर धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम तरतर तदवच्छिन्न प्रतियोगिता अन्यत्वम, अन्यत्व का व्याप्य हो जाएगा माने अन्यत्व व्यापक हो जाएगा। कैसे घटाएंगे इसको देखो, तद हो गया पट, इतर हो गया घट, इतर धर्म हो गया घटत्व से अवच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम। नहीं, जहाँ जहाँ पर घटत्व अवच्छिन्न घट है हम वहाँ दिखाना चाहेंगे ना, पट नहीं है, इसे पट से शुरू किया, पट से इतर हो गया घट, घट का धर्म हो गया घटत्व, तद अवच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व के घटाभाव, घटत्व अवच्छिन्न प्रत्येक अभाव कौन होगा? घटाभाव होगा। उस घटाभाव में क्या है? तद अवच्छिन्न प्रतियोगिता, तद से पटत्व, तदे पट, उसका धर्म हो गया पटत्व, तदवच्छिन्न प्रतियोगिता मने पटाभाव का अन्यत्व घटाभाव में आ गया। पटाभाव से भिन्न है ना, तो भेद सिद्ध होगी नहीं हो गया, इसलिए भेद सिद्ध हो गया। इसे पटत्वावच्छिन्न जो प्रतियोगिता का अभाव है उसका अन्यत्व आ गया घटाभाव में। अब इसको विशेष और सामान्य भेद कैसे सिद्ध करेंगे? इससे अजय घट सामान्य अभाव और घट विशेष अभाव दोनों भिन्न सिद्ध हो गए इस व्याप्ति के माध्यम से। माने जहां जहां पर भी सामान्य अभाव होगा वहां पर विशेष अभाव जरूर होगा, कि विशेष के जो है सामान्य के बिना हो ही नहीं सकता किसी विषय में, केवल अभाव के भाव के कोई भी मामला लो, सामान्य है तब उसमें विशेष की प्रतीति होगी। इस तरह से सामान्य अभाव को विशेष अभाव से भिन्न सिद्ध कर दिया, अन्यत्व लिया है। घूम फिर के देखो कैसे लौट के अपनी बातों सिद्ध करता है, तद घटत्व रूप सामान्य धर्म तो इतर हो जाएगा, तद घटत्वात्मक जो विशेष धर्म और तद अवच्छिन्न हो जाएगा प्रतियोगिताकत्व, तद घटाभावात्मक विशेष अभाव में ले लेंगे, तो वहाँ पर आप घटत्व रूप सामान्य अवच्छिन्न प्रतियोगिता सामान्य अभाव का अन्यत्व ला सकते हो, तब उस पर भी सिद्धांति कहता है इत्यपि निरस्तम, अतएव निरस्तम, अतएव कह दिया उन्हीं कारणों से यद्यपि निरस्त हो गया, अर्थात विपक्ष भाग तर्क अभाव और सामान्य अधिकरण अभाव के कारण से व्याप्ति सिद्धि नहीं, वही दो हेतु। या भी मुझसे कहेंगे तद इतर धर्म अवचन प्रतियोगिता का तम अस्तो, ये तद अवचन प्रतियोगिता का अन्यतम अस्तो, व्याप्य है व्यापक नहीं है कहूँ तो विपक्ष भाग तर्क पर बस कुछ नहीं है, कि ये जो व्याप्य आपने माना है सामान्य और विशेष को लेकर के, इनमें भी कोई व्याप्ति का ग्राहक कोई ऐसे कार्यकारण भाववादी सिद्ध हो ही नहीं सकते, विघटक तर्क मिलेगा नहीं। दूसरा, दोनों अलग अलग अधिकरण में है, सामान्य अधिकरण है ही नहीं, अतएव व्याप्तिकरण नहीं होगा। एक कई इनके अलग और भी दोष देना चाहते हैं, देखो एवं च आवृत्ति नाम गगनादि नाम समनीयता नाम व अन्येषां धर्माणाम एक एव अत्यंत अभाव, युगपद विनष्टानाम उत्पन्नानाम व समान देशानाम असति पादके एक एव ध्वंसस्प्राग भाव वा वेदग्रहण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता कोपि चेत अभाव प्रामाणिक तथा तस्यैक सैव प्रतियोगिता सर्वैरेव वेदग्रहणे सर्वैश्च समान अधिकरणे सम्बन्धैरेव अवच्छिद्यन्ताम् आकाशाभाव एव वा तथा आस्ताम् एकेनैव उपपत्तौ अभाव भेद कल्पने मनाभावात्। इतने सारे हेतु एकदम थोप दिए, आवृत्ति नाम गगनादीनाम
समान नियतानाम वा, क्यों गगन आदि कहीं रहते हैं क्या? गगन काल आदि में सब रहता है, गगन आदि कहीं रहते नहीं, और आपने जो घटा उसके अन्यत्व उसमें रहना चाहिए, घट गए नहीं, आकाश अन्यत्व काल में, काल अन्यत्व आकाश में, किस व्यापक है, घट गए नहीं अन्यत्व में, इसलिए आकाश आपका आत्मा काल और दिशा ये चार व्यापक आप मानते हैं, इन चारों और परमाणु भी नित्य निरवय मानते हैं, वो भी वृत्ति धर्म है नहीं, परमाणु कहीं रहता है क्या किसी में? परमाणु में सारा द्रणु का जगत है, लेकिन परमाणु किसी में रहने वाला वस्तु है, अवृत्ति पदार्थ है। इनमें हम आपको बताना चाहेंगे, कहते हैं आवृत्ति द्रव्यों के अत्यंता भावों का भेद नहीं माना जाता, माने आकाश अत्यंत भाव, आत्मा अत्यंत भाव, काल अत्यंत भाव, दिग अत्यंत भाव, परमाणु अत्यंत भाव में परस्पर भेद ही नहीं माना, पांच अलग अलग भाव है, ये पांचों अभावों को फिर भी आप अलग अलग नहीं मानते प्रतियोगी भेद होने पर भी, क्यों? निर्वयत्वाद व्यापकत्वाच, इन अभाव में कोई भेद नहीं मानते, यहाँ प्रतियोगी भिन्न है, उनके प्रतियोगिता अवच्छेद अखंडोपाधि या जाति वो भी भिन्न भिन्न है, जैसे आत्मा में आत्मत्व जाति मानते हैं, परमाणु में परमाणुत्व जाति मानते हैं, आकाश काल और दिग में अखंडोपाधि है, आकाशत्व दिग्त्व और कालत्व है, तो अवच्छेद माने जाते हो नहीं भी, आकाशत्व अचन आकाश बोलते हो, इसीलिए यहाँ देखो प्रतियोगी भिन्न है अवच्छेद भी भिन्न है, फिर भी अभाव भिन्न नहीं है, क्यों? व्यापकत्वात् अवृत्तिमयत्वात् निरवयत्वात् मिलेगा नहीं इनका अत्यंत अभाव, कहाँ दिखाओगे, कोई अधिकरण में रहेगा? वृत्तिमान पदार्थों का ही अत्यंत अभाव कहीं दिखा सकते हो, घटवत भूतल है, क्यों घट वृत्तिमान पदार्थ रह सकता है, किन अभावों को कहाँ दिखाएंगे? आकाश अभाव अधिकरण, आत्मा भाव अधिकरण, काला भाव अधिकरण, है ना, दिग भावाधिकरण, परमाणु भावाधिकरण कौन बनेगा? कोई नहीं, इसलिए आपने कई व्यापक निरवयों के जो अभाव होते हैं ये अभाव एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं होते, यदि प्रतियोगी भिन्न है प्रतियोगिता भी भिन्न है, फिर भी अभाव में भेद आपने नहीं माना, आपका नियम भंग हो गया कि नहीं यहाँ पे, आपका नियम यहाँ भंग हो गया व्याप्ति। एक बात इतना ही नहीं, समनियता नाम वा, जो समनियत धर्म होते हैं उनमें भी यही हाल है, मैंने यत्र यत्र गोत्तम तत्र शास्त्राधिमत्तम, यत्र यत्र शास्त्राधिमत्तम तत्र गोत्तम, अच्छा यत्र गोत्वा भावा तत्र शास्त्राधिमत्वा भावा, यत्र शास्त्राधिमत्वा भावा तत्र गोत्वा भाव व्यवहार हो जाएगा। इन समनियत दो धर्मों को लेकर जो अभाव जो व्यवहार हम कर रहे हैं, इन अभावों को भी आप भेद नहीं मानते, समस्या हो जाएगा ना, तो यदि गोत्वा भाव और शास्त्राधिमत्वा यदि दो भिन्न अभाव है, तो गोत्वा भाव जहाँ रहेगा वहाँ शास्त्राधिमत्वा भाव नहीं रहेगा, इसे उनका कहना है, ऐसे लक्षण पर जितने भी हैं व्याप्ति बना देते हैं हम लोग, यत्र यत्र गंधवत्तम तत्र तत्र पृथ्वीतम, यत्र यत्र पृथ्वीतम तत्र तत्र गंधवत्तम, ये समनियत व्याप्तियाँ जो होती हैं इनके भी अभाव कभी नहीं मानते समनियत वस्तुओं को, तो वहाँ भी देखो यद्यपि अवच्छेदक भिन्न है प्रतियोगी भिन्न है, गो गो अभाव का अवच्छेदक प्रतियोगी गो, अवच्छेद गोत्व, शास्त्राधिमत्वाभाव में शास्त्राधिमान यह हो गया, उसके शास्त्राधि उसके अवच्छेदक बन रहा है, अवच्छेदक भिन्न है प्रतियोगी भिन्न है, फिर भी अभाव भेद नहीं है, आपका नियम यहाँ भी भंग हो गया। तीसरी बात समनियतनम अन्यषाम धर्माणाम कह दिया, समनियत अन्य जितने भी धर्म हैं आपके उनको भी लेकर आप कहीं अत्यंत अभाव का भेद नहीं मानते, एक ही अत्यंत भाव मानते हो, वहां तुम्हारे सारी व्याप्तियां भंग हो रहे हैं, क्यों घटा सकते नहीं पर तद इधर धर्म आवचन करके आकाश लो तद उसी इधर कौन हो गया आत्मा, उसका धर्म हो गया आत्मत्व, आत्मत्व अवच्छिन्न आत्मा में प्रतियोगिता का अभाव हो जाएगा आत्मा, वहाँ पर तद अवच्छिन्न मैंने आकाशत्व अवचिन्न प्रत्येक आकाश अभाव का अन्यत्व आएगा, क्या आपने अन्य माना नहीं आकाश और अत्यंत आत्मा भाव में, तत् से ले लो आकाश उसी इधर कौन हो जाएगा आत्मा, उसका धर्म हो गया आत्मत्व, आत्मत्व अवचिन्न प्रत्येक अभाव कौन हो गया आत्मा भाव, फिर आत्मत्व अचन प्रत्येक अभाव क्या होगा आत्मा भाव, उसमें अब उसके अन्यत्व होना चाहिए आकाश का अन्यत्व, आकाश अभाव का अन्यत्व, उत्तर से आप लेंगे आकाश उसका धर्म हो गया आकाशत्व, तद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हो गया आकाश अभाव,
उस आकाश अभाव का अन्यत्व आत्मा भाव में मानते हो क्या? वो नहीं मानते। अभी बोला ना व्यापकों का परस्पर भेद ही नहीं है, तो अन्यत्व आया नहीं, तो व्याप्ति भंग हो गया तुम्हारा। इस दृष्टि समन्वय तुम्हें भी घटा लो, गो हो गया तत् उसी इतर हो जाएगा शासनादिमान, उसका धर्म हो गया शासन तत्व, तदवच्छिन्न हो जाएगा साधन वस्तु तद भाव साधन भाव, उसमें अब लाओ वहाँ तत्स्य गो, उसका धर्म गोत्व, तदचिन्न प्रतियोगिता का भाव गया गो अभाव, गो अभाव उस शासन तत्व भाव में नहीं रहेगा तुम्हारे यहाँ, उसका अन्यत्व नहीं आएगा, क्योंकि सामान्य धर्मों का भाव भेद मानते नहीं, तो अन्यत्व कैसे आएगा? अच्छा ये व्याप्ति भी तुम्हारा भंग होंगे, हो भी गया प्रतियोगिता उच्च भेद होने पर भी अभाव भेद नहीं मानना, और यह व्याप्ति भी चला गया क्योंकि अन्यत्व न आने से, ये इनका कहना है। इतने एक और दोष दे रहा है, देखो युगपद विनष्टा नाम उत्पन्ना नाम वा, युगपद विनष्टा नाम उत्पन्ना नाम वा, युगपद उत्पन्न हो गया कोई चीज या युगपद विनाश हो गया सारी चीज की, मान प्रलय हो रहा है, प्रलय में क्या होता है क्रम से होगा क्या, इकट्ठा खत्म हो जाएंगे। सृष्टि भी प्रक्रिया में क्या है, लोकानु सृजयति, युगपद से उत्पत्ति का भी सृष्टि का वर्णन आया है, वो सकल प्राग भाव थे कि नहीं थे उत्पत्ति में, क्रम सृष्टि में तो कोई दिक्कत नहीं, प्राग भाव मिलेगी एक प्रभाव, एक प्रभाव दूसरा, फिर दूसरा प्रभाव तीसरा आया, ऐसा कहेंगे, लेकिन युगपद सृष्टि में तो नहीं घटेगा, इसलिए युगपद को ले रही है। उन सकल प्राग भाव में भेद मानोगे क्या, प्रतियोगी भेद या प्रतियोगिता उच्छेद भेद या उनके परस्पर अन्यत्व, प्रागों में परस्पर भेद आना चाहिए ना, क्या अलग अलग वस्तु पैदा हो रहा है, लेकिन युगपद पैदा होने से भेद कहाँ सिद्ध करोगे, समस्या युगपद है ना सारा, तो उनके भेद सिद्ध नहीं हो पाएगा प्राग भाव, वह एक ही प्रभाव माना उन्होंने सकल का, वो लोग खुद ही मानते सकल ध्वंसों को एक ही माना, इसे यहाँ पर करें कि युगपद विनष्टा नाम उत्पन्ना नाम व समान देशानाम, वो भी समान देश में भिन्न भिन्न देश नहीं, असति बाधक एक एव ध्वंस प्राग भव, और आपके ही मत में बाधक के न होने पर एक ही ध्वंस माना आपने, एक ही प्रभाव माना, वस्तु भेद है भिन्न भिन्न है ना, प्रतियोगी प्रतियोगिता उच्चते भिन्न है, परस्पर अन्यत्व भी है, भाई घटपट युगपद उत्पन्न हो रहा है मान लो, घटपट में अन्यत्व तो है ना, उसके बावजूद भी आपने एक का मान लिया, भेद माना ही नहीं, असत्य बाधक है, मैंने समान देश में युगपद उत्पत्ति में कोई बाधक ना हो, एक देश में युगपद अनेकों की उत्पत्ति हो रही है समान देश में ही, उसमें कोई बाधक यदि नहीं है तब उनका कहना एक ही प्राग भाव है। समान देश युगपद ध्वंस में यदि कोई बाधक नहीं है तो एक ही ध्वंस माना जाएगा, यदि बाधक है फिर क्रम मानना पड़ जाएगा, बाधक क्या करेगा भाई, एक साथ ध्वंस होने नहीं देगा, ये तो कहना है वह बाधक का मतलब वो एक साथ ध्वंस न होने देना, मैंने क्रम से ध्वंस होने देना, तब प्रतियोगी अलग हो प्रतियोगी भिन्न भिन्न भिन हो जाएंगे ध्वंस, ये प्राग भिन्न भिन्न हो जाएंगे, इसलिए असत्य बाधक के जोड़ा, युगपद ध्वंस युगपद उत्पत्ति में यदि कोई बाधक ना हो उसी अवस्था में उनके सिद्धांत है, वहाँ उन सकल उत्पन्न पदार्थ युगपद उत्पन्न सकल पदार्थों का एक ही प्रभाव मानते हैं, विनष्ट सकल भाव पदार्थों का एक ही ध्वंस मानते हैं, और सृष्टि के आदि काल वहां भी कोई बाधक नहीं रहेगा, ईश्वर में संगम झटित सब पैदा कर डाला, एक मौसम प्रजा कह दिया काम हो गए, वहां पर एक ही प्रभाव मानते हैं सकल वस्तुओं का, सकल ध्वंसों का एक ही मान लिया, वह तो वहां अन्यत्व कहां से आएगा फिर, तो व्याप्ति वहां भंग हो गया। एक तीसरा दोष, वेदिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता भाव लेना चाहता है, वेदिकरण धर्म पटतावचन घटाभाव घटत्वाचन पटाभाव ऐसे लेकर भी कहना चाहिए, दिव्य अप्रामाणिक है ये मान भी ले जाए, अभाव प्रामाणिक मान भी ले हम, तथा तस् एक प्रतियोगिता उसे एक वेदिकरण प्रतियोगिता से हम सकल भावों को बोल सकेंगे ना, फिर जैसे हमने पटत्वाचन घटाभाव बोला घट पराग भाव, पटत्वाचन घटत्व भी बोल सकता हूँ, पटत्वाचन घट अन्योन्य भी बोल सकता हूँ, पटत्वाचन घट प्रत्यंश भी बोल सकता हूँ, ये जो वेदिकरण धर्म चारों में भेद कहाँ हुआ, भेदक नहीं रहा, कि वेदिकरण धर्म तो वेदिकरण धर्म है और वह एक धर्म ही अकेला ही प्रतियोगिता सर्वैर वेदिकरण ही और सर्वैश्च सामान्य अधिकरण रपे, इस घट से उस घट का भेद भी उसी पटत्व सिद्ध हो जाएगा, फिर घटों का भी परस्पर भेद
पड़ताचन घटत इसमें, पड़ताचन घटत उसमें। इस तरह से समाधिकरण रूपी संबंध रेव अवच्छिद्यंता, एक उस प्रतियोगिता का संबंध के द्वारा ही सबका अवच्छेद कर सकोगे, और अवच्छेद भेदी खत्म हो जाएगा।